तो अब क्या होगा, अब ब्लास्टुला कन्वर्ट होगा गैस्ट्रुला में। ये ब्लास्टुला है, ह्यूमन के ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देखो ये पूरा का पूरा कौन सा लेयर है, देखना ध्यान से, यहाँ पे कौन सा लेयर क्या बन जाएगा आगे। ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, पूरी की पूरी ट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर है, ठीक है। ये है सेल्स ऑफ रबर या एमिनियोजेनिक सेल, एमिनियोजेनिक सेल। और ये है पूरा का पूरा इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल लॉब, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल लॉब। नाउ दिस कंप्लीट कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील कैविटी। ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसील कैविटी है, ठीक है, जिसमें यूटरस की फ्लूड भरी हुई है, यूटराइन फ्लूड, दिस इज ब्लास्टोसील। अब समझना ध्यान से, ये कब बन गया, सिक्स्थ टू सेवेंथ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अब इसके पांच दिन बाद एक अंदर ही अंदर यूटरस में इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब अंदर ही अंदर ये ब्लास्टुला और अंदर जाता जा रहा है, और इसके अंदर ब्लास्टुला के अंदर कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और वो चेंज दो प्रकार के। एक तो क्या, कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, क्या होता है बताते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और उसी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से तीन जर्म लेयर बन जाता है, तीन जर्म लेयर बन जाता है। और यही जो पूरा चेंज हो रहा है ना, यही चेंज कहलाता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन। और स्ट्रक्चर बनेगा बाद में गैस्ट्रुला, पांच दिन लग जाता है इसमें, स्ट्रक्चर बनेगा गैस्ट्रुला। अब क्या होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, आओ समझाते हैं। देखो होता क्या है, जो बाहर काली वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर है वो तो एज इट इज है, वो अपना भले ही नंबर बढ़ाती जा रही है, कौन सा डिवीजन, वही क्लीवेज डिवीजन। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर अपना नंबर बढ़ा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपना नंबर बढ़ाती जा रही है, ट्रोफोब्लास्ट बहुत सारे बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये लो, अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर भी आगे चल के कुछ खास प्रकार के सेल बनाएगी, अभी तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ही थी। अच्छा, सेल्स ऑफ रबर लो, मान लो कि अभी भी यही रहा सेल्स ऑफ रबर, ठीक है। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, एक बार ध्यान रखना, इम्प्लांटेशन के जस्ट पांच मिनट बाद यहीं पर से ये जो एमनियोजेनिक सेल और ट्रोफोब्लास्ट सेल है, अब ये लाइटिक एंजाइम की वजह, क्योंकि अब लाइटिक एंजाइम का तो जरूरत नहीं है, अब ये लाइटिक एंजाइम की वजह एक हार्मोन रिलीज करता है, नाम पता है, बता चुके, जस्ट आफ्टर एन इम्प्लांटेशन ये ट्रोफोब्लास्ट सेल और ये एमनियोजेनिक सेल अब एंजाइम रिलीज नहीं करेगा, अब रिलीज करेगा हार्मोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, और यही तो प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिस है, HCG। और ये बात हो रही है 23वें दिन, 23वें दिन के बाद उधर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला है, LH का नामोनिशान खत्म होने वाला है, तो HCG जाके उसको मेंटेन कर लेगा कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेगनेंसी के लिए, बता चुके हैं सब बात, ठीक है। चलो, तो ये तो ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर पर नंबर बढ़ाती जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खास प्रकार के मूवमेंट होते हैं, और उस मूवमेंट को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो किसी पर्टिकुलर सेल्स को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा के मूवमेंट कराएगी। जैसे देखो होता क्या है कि ये देखो इनर सेल मास में चार बाहर वाले हैं और चार अंदर वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये चार जो हैं ये भी डिवीजन करना शुरू कर चुकी है, नॉर्मल माइटोसिस, ये चार और ये चार डिवीजन करना शुरू कर चुकी है। लेकिन होता क्या है कि ये अंदर वाले जो इनर सेल मास हैं, पहले ये डिवीजन करके कुछ सेल्स बना लेती है, अब वो सेल्स बन के किधर मूव करेगी, जैसे यहाँ डिवाइड करके कुछ सारे सेल्स बने, किधर जाएगी, इधर जाएगी या उधर जाएगी, इस मूवमेंट को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ऐसे ही ये वाली सेल जो चार ऊपर वाले इनर सेल मास हैं, यूं बोलो आउटर वाले, ये भी डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बनाएगी, अब वो किधर जाएगी, किधर जाएगी या इधर जाएगी या कहाँ जाएगी, इस मूवमेंट को ही कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है एपिबोली, एपिबोली
और एक होता है एम्बोली, एपिबोली एंड एम्बोली। आओ पहले समझाते, देखो होता क्या है ना, जब गैस्टुला बन रहा होता, मैंने क्या बोला, तीन जर्म लेयर भी बनना है। तीन जर्म लेयर के नाम आपको तो पहले से ही पता है, कौन कौन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है कि नहीं पता। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अंदर वाले इनर सेल मास है चार, सबसे पहले इन्होंने डिवीजन करके कुछ सेल्स इधर की तरफ छोड़ा। तो लो यहाँ पे सेल्स का एक लेयर बन के तैयार हो गया, कुछ सेल्स बना के यहाँ पे उन्होंने छोड़ा, कौन, ये अंदर वाले इनर सेल मास, एंड नाउ दिस लेयर इज एंडोडर्म। इसको क्या बोलोगा, दिस इज एंडोडर्म, अ जर्मिनल लेयर, एंडोडर्म, ठीक है। सबसे पहले यही बनता है एंडोडर्म, ध्यान रखना एंडोडर्म। उसके बाद क्या होता है कि बाहर वाले इनर सेल मास, ये बाहर वाले जो इन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद सुनना, देखो इन्होंने तो डिवाइड करके सेल्स को इधर की तरफ छोड़ा, तो ये जो मूवमेंट थी, जो एंडोडर्म को बनाने वाले सेल इधर की तरफ मूवमेंट किए, इसको बोलेंगे एम्बोली। अब समझना ध्यान से, बाहर वाली जो चार इनर सेल मास है, ये चार बाहर वाली, जो बाहर वाली रो में, इसके बाद उन्होंने मूवमेंट किया, मतलब पहले डिवीजन किया फिर मूवमेंट किया, और मूवमेंट करके पहले उसकी सेल जाती है बाहर की तरफ, इधर इस कलर से लें, इस कलर से लेते हैं इधर, और यहाँ पे एक लेयर तैयार कर देती है, कहाँ, जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनिक सेल, यहाँ पे एक लेयर तैयार करती है सेल्स की लेयर। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन बना है, एक्टोडर्म। सबसे पहले कौन बना, एंडोडर्म, और दूसरे लेयर पे बना एक्टोडर्म। तो मुझे बताओ, एक्टोडर्म किससे बना, बाहर वाले से, एंडोडर्म किससे बना, अंदर वाले से। अब एक्टोडर्म बन के सेल जो इधर गई, उस मोमेंट को बोलेंगे हम लोग एपिबोली। अब समझ, अब ये कुछ सेल तो डिवीजन करके उधर चले गई, अब वो जो इनर सेल मास के कुछ पेरेंटल सेल हैं वहां पे बचे हुए हैं, अब उन्होंने डिवीजन करके कुछ सेल्स को अगेन भेजा इधर की तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच में बढ़ गया कुछ सेल्स, ठीक है। लाइक दिस, यू मान लो इस कलर से दिखा देते हैं, इस कलर से यहाँ पे, समझ रहे हो, नाउ दिस इज, नाउ दिस इज मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म। अब मुझे आप बताओ, मैंने अभी आपको बोला कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों ही बनते हुए आप देख रहे हो, लेकिन ये दोनों किससे बन रहा है, बाहर वाले से, पता है। इवन ये बाहर वाला जो है केवल एक्टो और मीजो नहीं, जरूरत पड़ने पे एंडोडर्म भी बना सकता है। अब आप समझना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, ये जो बाहर चार इनर सेल मास है, ये एक्टोडर्म भी बना सकती है, ये मीजोडर्म भी बना सकती है, और ये जरूरत पड़ने पे एंडोडर्म भी बना सकती है, और इसी लेयर को जिससे एक्टो मीजो एंडो तीनों आ सकता है, इसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, एपिब्लास्ट सेल लेयर। और वो अंदर वाली चार इनर सेल मास जिससे केवल एंडोडर्म बनेगा, उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोब्लास्ट। तो बोलो एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट क्या है, सेल की लेयर, और वो उसी टाइम डिफाइन हो गई जब गैस्टुला स्टेज में थी। अरे बोलो, पता है एक बात, इसी दौरान जब इनर सेल मास ने तीन जर्म लेयर बनाया ना, इसी दौरान इनर सेल मास ने कुछ ऐसे भी सेल बनाए जो टोटिपोटेंट नेचर का है, जो हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनाने की एबिलिटी रखता है। इसके बारे में आप आगे हर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, बस ध्यान रख लेना कि इनर सेल के मास, अभी इनर सेल मास के पास अभी भी कुछ टोटिपोटेंट सेल होंगे, उसको बोलते हैं स्टेम सेल, जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन बनाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अब क्या हो गया, बाकी सेल डिफ्रेंशिएट हो गई एपिब्लास्ट से, इधर सबसे पहले तो हाइपोब्लास्ट से क्या बना, एंडोडर्म, और फिर एपिब्लास्ट से दूसरे नंबर पे एक्टोडर्म, और तब मीजोडर्म। अब मुझे बताओ, यही जो पूरा ये डिस्क के फॉर्म में अपीयर होता है, ये पूरा जो है ना, ये डिस्क के फॉर्म में अपीयर होता है ये पूरा, क्या यही वो पूरा स्ट्रक्चर है जिससे आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है, बोलो। क्योंकि ह्यूमन में मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में इंडिटर्मिनेट होता है, बाद में डिटर्मिनेट हो गया, देखो ना एक्टो मीजोडो बना, अब एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनेगा, मीजोडर्म से कुछ ऑर्गन बनेगा, एंडोडर्म से, ये डिफाइंड है, अब डिफाइंड है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। और ये जो जिस डिस्क के फॉर्म में तीन जर्म लेयर मिल रहा है, इसको अब हम लोग बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। क्या बोलते हैं, जर्मिनल डिस्क।
बोलो। और बाकी ये फ्लूड क्या भरा हुआ है, ये फ्लूड भरा हुआ है यूट्राइन फ्लूड, इसमें भरा हुआ है। अब स्टेज कहलाएगा गैस्टूला, क्योंकि तीन जर्म लेयर बन चुकी है, स्टेज कहलाएगा क्या, गैस्टूला। अब इसीलिए अब इसकी कैविटी को ब्लास्टोसील नहीं कहेंगे, अब इसकी कैविटी को हम बोलेंगे आर्केन्टेरॉन कैविटी। क्या बोलेंगे, आर्केन्टेरॉन कैविटी, आर्केन्टेरॉन कैविटी। बोलो बोलो, अब समझना ध्यान से, आर्केन्टेरॉन कैविटी ब्लास्टोसील से ही बना। अब समझना ध्यान से, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, यानी कि एपिब्लास्ट वो लेयर जो एक्टो मीजो और एंडो तीनों बनाने की एबिलिटी रखता है, एक्टो मीजो और एंडोडर्म तीनों बनाने की एबिलिटी रखता है, और हाइपोब्लास्ट वो लेयर जो केवल एंडोडर्म बनाने की एबिलिटी रखता है। बोलो, और अब समझ लें, एपिबोली इज अ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट एंड इज द मूवमेंट ऑफ सेल्स विच विल फॉर्म एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाने वाले मूवमेंट को जो, वाले जो सेल उसके मूवमेंट को एपिबोली कहते हैं और एम्बोली कहते हैं। जो एंडोडर्म बनाने वाले सेल है वो जो मूव करेंगे, चाहे वो एपिब्लास्ट का करे चाहे वो हाइपोब्लास्ट का करे, हालांकि ज्यादातर हाइपोब्लास्ट का ही करता है, उस मूवमेंट को कहते हैं एम्बोली। तो बोलो, एपिबोली और एम्बोली क्लियर हुआ सभी को, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट क्लियर हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन? अतीक नो सर। रिभा नो सर। ईरान नो सर। अब समझना ध्यान से, तो अब क्या हो गया, गैस्टूला। देखो दोनों काम हो गया कि नहीं हो गया, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हुआ, और बताओ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की ही वजह से एक्टोडर्म और मीजोडर्म एंडोडर्म बन के तैयार हुए। क्लियर? आप बता रहे हैं खास बात, ये है आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, है कि नहीं, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर। पता है एक बात, इधर ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर है ना, ये भी एक जर्म लेयर बनाती है। अच्छा, जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, एक और, जर्म का मतलब क्या होता है, जर्म का मतलब वो चीज होता है जो जर्मिनेट हो। जर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है, जो उभरे। उभरने का मतलब क्या होता है, जो निखरे। निखरने का मतलब क्या होता है, कि कुछ नया बनाए। तो जर्म लेयर का मतलब होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिससे कुछ नया बनेगा उभर के। तो एक तो मीजो एंडोडर्म से नए नए ऑर्गन्स बनेंगे, इसलिए उसको जर्म लेयर बोलेंगे। ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर भी जर्म लेयर बनाती है। तो तुम बोलोगे सर जर्म लेयर तो तीन प्रकार के होते हैं, एक्टो मीजो एंडो, तो ये कौन सी बनाएगी, तो ये बनाएगी मीजोडर्म। तो आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो गया, ये मीजोडर्म बनाएगी तो फिर एपिब्लास्ट काय के लिए है। सुनो तो सही, मीजोडर्म दो प्रकार के होते हैं, मैंने लाल घेरा लगा दिया जर्मिनल डिस्क का, बच्चा तो उसी से बनना है। तो मुझे बता बच्चे के अंदर का जो मीजोडर्म है, सुना ध्यान से, बच्चे के अंदर का जो मीजोडर्म है क्या उसको हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहेंगे? बोलो, अरे बोलो, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहेंगे। बच्चे के बाहर, क्योंकि बच्चा लाल वाले घेरे से बाहर बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा का मेम्ब्रेन बनेगा, जिसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बच्चे के बाहर भी कुछ मीजोडर्म बना है तो क्या इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहेंगे? अरे बोलो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहेंगे। तो बोलो, मीजोडर्म दो प्रकार के, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक वाला बच्चा बनाने में, बच्चा का ऑर्गन बनाने में बाहर काम आएगा, तो फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किस चीज में काम आएगा? इससे बनेगा दो चीज, एक तो इससे बनेगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल। किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कुछ याद आ रहा है, यही डायग्राम बनाए थे हम बहुत पहले, जब आपको पढ़ा रहे थे, हम स्टार्ट किए थे गैमेटोजेनेसिस, कहे थे गैस्टूला आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं अभी। तो ये पीजीसी भी बना देगा और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना देगा, जो हम कल पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना देगा, कौन? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब आपके मन में आ रहा होगा भयंकर वाला डाउट, आप बोलोगे सर आपने तो चालाकी खेल लिया, यहाँ पर नंबरिंग दे दिया कि सबसे पहले जर्म लेयर में एंडोडर्म बना, देन उसके बाद एक्टोडर्म बना, यहाँ पे एंडोडर्म बना हाइपोब्लास्ट से, एक्टोडर्म बना एपिब्लास्ट, उसके बाद आपने कोई नंबरिंग ही नहीं दिया। क्या ये दोनों मीजोडर्म एट अ टाइम बनते हैं? और अगर एट अ टाइम नहीं बनते हैं तो पहले कौन बनता है, बाद में कौन बनता है? तो सुनो, इस सवाल का जवाब है कि एट अ टाइम नहीं बनते। तो अब आपका सवाल होगा कि पहले कौन, पहले कौन फिर बाद में कौन? तो सुनना, पहले बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। चलो, थर्ड नंबर मैंने यहाँ दिया, इसलिए यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं दिया, समझ में?
पहले बनता है ये वाला बाहर, जैसे अंदर ही अंदर पहले मान लो कि एंडो बना, एक्टो बना, जब तक वो एक्टो बन रहा था बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मीडियोडर्म बना उसके बाद, तो तीन नंबर पे वो आ गया। और चौथे नंबर पे जाके बनता है कौन आपका, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियोडर्म। अरे बोलो तो मुझे बताओ, पहले बना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियोडर्म और फिर बना इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियोडर्म, गरीबा बताओ। अगर इस दोनों मीडियोडर्म में से मुझे किसी एक को बोलना पड़े प्राइमरी और किसी एक को सेकेंडरी, तो मैं किसको प्राइमरी बोल दूं और किसको सेकेंडरी बोल दूं, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, इसको क्या बोले, प्राइमरी मीडियोडर्म क्योंकि ये पहले बना है, और इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी मीडियोडर्म क्योंकि ये बाद में बना है। माइक बंद करो, ये सेकेंडरी मीडियोडर्म। देख रहे हो कितने चेंजेस आ रहे हैं भाई, 5 दिन लगते हैं ये सब होने में, यानी कि आप यूं कह सकते हो 5 दिन जोड़ लो, गेस्टुलेशन में 5 दिन लगता है, ठीक है, 5 डे ड्यूरेशन, तो 5 दिन जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो हो जाएगा आपका 7, 5, 12, 12th day of फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से भी आप डे निकाल सकते हो, उतना बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो कितने सारे चेंजेस आ गए, गेस्टुला में आर्केंटर ऑन कैविटी बन गया, और टोटल 4 जर्म लेयर बने, जिसमें से एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर 3 ही है और एक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, उससे बच्चा नहीं बनेगा, उससे बनेगा बच्चा का कवरिंग। देखो बात पता है, आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियोडर्म को बेकार मत समझना, बेकार समझोगे ना जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाओगी, हो जाएगी। बोलो क्यों, तो बोल सकता है क्यों, हाँ? अरे भाई साहब, जनरेशन तुम्हारा उसी से बढ़ने वाला है, पीडीसी ना बनेगा ना क्या कर लोगे जिंदगी में, क्या उखाड़ लोगे, ये नीट वीट सब यही रखा रह जाएगा, तुम नीट पास करोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, मर जाओगे, बच्चे पैदा करेंगे तो सालों साल जिएंगे, वो अगला बच्चा पैदा करेगा भाई, एक्स्ट्रा मेडिकल मेडल मिलेगा, जिंदगी झंड हो जाएगा। ये पीडीसी ये बड़ा काम का चीज है। अब याद करो मैंने कहा था कि इससे तो अंदर ही अंदर बच्चा बनेगा, और ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस अंदर ही अंदर या तो टेस्टिस या तो ओवरी बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द जीनोटाइप, और तब तक बाहर की तरफ ये ट्रोफोप्लास्ट लेयर बना बना के क्या तैयार करेगा, पीजीसी, याद आ रहा है कुछ। और फिर मैंने कहा था ना कि ट्रोफोप्लास्ट लेयर बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना देगी, 4 प्रकार के होते हैं, कोरियोन, एमनियोन, यॉर्क सेक, ये सब डिफरेंट टाइप के, कल पढ़ाएंगे। तो यॉर्क सेक में सारा पीडीसी जाके एम्बेडेड होने लगता है, उसके बाद कुछ समय बाद यॉर्क सेक भी डीजनरेट होने वाला रहता है, तो यॉर्क सेक के डीजनरेट होने के पहले तब तक उधर अंदर में बन गया होता है या तो टेस्टिस या तो ओवरी, तो सारे पीडीसी को टेस्टिस या फिर ओवरी में ट्रांसफर कर देते हैं। आया वो कहानी याद, आया याद, यही डायग्राम बनाए थे उसे, क्लियर। And this complete process, the conversion of plastula into gastrula, this complete process is called as gastrulation. Gestation नहीं बोल रहे हैं, gestation अलग चीज होता है, 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं gestation, यहाँ कह रहे हैं gastrulation, the process of formation of gastrula from the plastula. और gastrulation के दौरान दो ही चीज मेन काम होता है, एक तो क्या होता है morphogenetic movement, और एक क्या होता है 3 germ layer का formation. बोलो, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट 2 प्रकार के, एपिबोली एम्बोली, एपिबोली कहते हैं एक्टोडर्म मीजोडर्म के बनने वाले सेल के मूवमेंट को, एम्बोली कहते हैं एंडोडर्म के बनने वाले सेल के। और यहाँ पे जो इनर सेल मास थी वो 2 लेयर में, अभी यहाँ पे इसको अभी डिफरेंशिएट कर सकते हो, एपिप्लास्ट हाइपोप्लास्ट, ठीक है। एपिप्लास्ट 3 जर्म बनाने की एबिलिटी रखता है, लेकिन बनाता वो एक्टोडर्म मीजोडर्म, और हाइपोप्लास्ट केवल एंडोडर्म बनाता है, वो एंडोडर्म। बोलो अब क्या होता है, ये एंडोडर्मिक, देखो सारे सारे एक्टोडर्म से पता क्या क्या बनता है, आपका नर्वस सिस्टम, कुछ ग्लैंड्स, ये सब आई, ये सब मीजोडर्म से आपका हड्डी, कार्टिलेज, ब्लड, ब्लड सेल्स वगैरह, मतलब ये सब डिफरेंट टाइप के मीजोडर्म। एंडोडर्म से मोस्ट ऑफ द विसरल ऑर्गन, किडनी हो गया, हेलो, हाँ आ जाइए ना जल्दी से,
क्या बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, भूल गया। हाँ, एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम वगैरह बना, ठीक है। अच्छा, मीजोडर्म से आपका हड्डी बना, कार्टिलेज वगैरह बना, इवन टेस्टिस और ओवरी भी बना इसी मीजोडर्म से, इंट्रामेडुलर मीजोडर्म से, बाकी बहुत चीज बना। अब जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो पता चल जाता है आपको किससे कौन बना है, ठीक है। और एंडोडर्म, एंडोडर्म बहुत सारा चीज बना दिया, किडनी बना दिया है, इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं, पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके और वहां तक पूरा लास्ट तक चले जाए एनस तक, पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, लीवर बना दिया, गॉल ब्लैडर बना दिया, हार्ट बना दिया, मतलब बहुत सारी चीजें बनी, ठीक है, यूं बोलिए एंडोडर्म। लेकिन एंडोडर्म से जो मेन ऑर्गेन बनता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल, सुनना ध्यान से, एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म से बनता है। बनता कैसे पता है, देखना, गैस्ट्रुला बना ना, अब गैस्ट्रुला के आगे जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो होता क्या है कि ये जितने भी आपको सेल दिख रहे हैं एंडोडर्म के, ये डिवीजन करके धीरे धीरे इधर की तरफ सरकते जाते हैं, इधर की तरफ सरकते जाते हैं, और फाइनली होता क्या है, इस टाइप का एक केनाल बन जाता है, ये सेल इसमें भर जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भरते जाएंगे, एक कैविटी बन जाएगा, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल, और यहाँ पे एक ओपनिंग रहता है। अब समझना ध्यान से, होता क्या है ना, जब ये गैस्ट्रुला बना है, देखो इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो पूरा आर्केंटरॉन कैविटी है ये फ्यूचर में जाके केनाल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बोलो, क्योंकि काली वाली तो मेम्ब्रेन, ये वाली काली वाली तो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, वो तो जन्म के बाद बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो आर्केंटरॉन कैविटी का वो पोर्शन जो केनाल के अंदर आया, वो आर्केंटरॉन कैविटी का ना पोर्शन था, तो बताओ आप ऐसा कहोगे आर्केंटरॉन कैविटी ही आगे चल के एलिमेंट्री केनाल बनता है, बोलो, तो क्या हम आर्केंटरॉन कैविटी को प्रीकर्सर ऑफ, क्या हम इसको प्रीकर्सर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं, बोलो, एलिमेंट्री कैनाल उसी से बनने वाला है, वो अलग बात है, एंडोडर्म बनाएगा आर्केंटरॉन कैविटी को कवर अप करके, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब गैस्ट्रुला स्टेज बन जाता है ना, तो उस दौरान गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान एम्ब्रियो के बैक पोर्शन में यहाँ पे एक पोर होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में एक पोर होता है, इस पोर को कहते हैं, इस पोर का नाम है, ध्यान से सुनना, इस पोर को कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब लोगे हैं सर गैस्ट्रुला स्टेज में ब्लास्टो वर्ड, हाँ यूज कर रहे हैं, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटरॉन कैविटी, यस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटरॉन कैविटी, ठीक है। ये आर्केंटर पूरा का पूरा कैविटी है, ये ऊपर की तरफ ये एम्ब्रियोनल नर्व हुआ और उसकी ओपनिंग इधर की तरफ, ये ओपनिंग कहला रहा है ब्लास्टोपोर, ओपनिंग कहला रहा है ब्लास्टोपोर, और ये कैविटी कहला रहा है अब आर्केंटरॉन कैविटी, और इसी से बनेगा आगे चल के क्या आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब समझना ध्यान से, ये ब्लास्टोपोर आगे चल के खत्म नहीं होगा, जब इससे एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बच्चा बन जाएगा, फिटस बेबी बन जाएगा, तो ब्लास्टोपोर या तो माउथ में कन्वर्ट हो जाएगा या तो ये एनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा। अगर हम ह्यूमैन की बात करें तो ह्यूमैन के अंदर ये एनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इधर की तरफ ये माउथ बन जाएगा और उधर की तरफ एनस बन जाएगा, यानी कि एनस पहले ही बन चुका है, क्योंकि ब्लास्टोपोर पहले बन चुका है, वही ना बाद में एनस की तरह एक्ट कर जाएगा। और ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जहां पर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, तो अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बने, यानी कि पहले माउथ बना, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट, एनिमल लाइफ में बताएंगे प्रोटोस्टोम। और जहां पर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, यानी कि पहले एनस बना माउथ बाद में बना, उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, स्टोम वर्ड का मतलब होता है माउथ, तो अगर पहले माउथ बनेगा तो प्रोटोस्टोम, तो वहां पे ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा, ऐसा होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में नहीं होता, हम पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो हमारे अंदर ये नहीं होता, हम ड्यूटेरोस्टोमेट हैं, हमारे अंदर एनस से क्या बनता है, सॉरी हमारे अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बन जाता है, एनस। तो बोलो गैस्ट्रुलाइजेशन में कितने सारे चेंजेस हैं, समझ में, ब्लास्टोपोर बना, ब्लास्टोपोर ही फ्यूचर में एनस बनेगा, आर्केंटरॉन कैविटी बना, ये आर्केंटरॉन कैविटी फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल बनेगा, तीन जर्म लेयर बने, एक्टो मीजो और एंडो,
इससे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स बनेंगे और ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर बने, उससे बना एक्टोमेरिक मीडियोटर्म, उससे बना पीजीसी और एक्टोमेरिक मेम्ब्रेन। एक्टोमेरिक मेम्ब्रेन तो इस फिटस को बारे में, एम्ब्रियो को बारे में प्रोटेक्शन देगा, और पीजीसी ये फ्यूचर सेल है, इससे फ्यूचर का जनरेशन बढ़ेगा। कितने चेंजेज आए गेस्टुलेशन में देख रहे हो, ये काम होने में लगभग 12 दिन, मतलब कि 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंच चुका है, 12वें दिन। अब पता है क्या होगा, अब होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, अब बच्चा बनाना है फिटस, अब ऑर्गेन बनाना है, ऑर्गेन बनाएंगे डिफरेंट ऑर्गेन, कुछ एक्टोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे समाप्त हुआ। ऑर्गेनोजेनेसिस तो आप डिटेल में एमबीबीएस में पढ़ोगे, मैं शॉर्ट में अभी बता दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में बता दूंगा। तो एम्ब्रियोलॉजी भी आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही ना बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, वो भी, लेकिन उसका मैंने आपको एक आइडिया दिया ह्यूमन के अंदर कैसे कैसे क्या होता है। हम लोगों ने तो बहुत सारे ऑर्गेन का एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है, फिर मास्टर्स में भी बहुत सारे पढ़ेंगे, फ्रॉक का पढ़ा दिया, सीअर्थिन का पढ़ा दिया, माथा उठा के रख दिया। आप लोग को एमबीबीएस अगर करोगे तो केवल ह्यूमन का पढ़ाया जाएगा, एक आध मेमल्स का और पढ़ा दे तो पढ़ा दे, ठीक है, लेकिन थोड़ा उधर प्रोफेसर लाइन में क्या होता है कि उधर बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ जाता है अदर एनिमल का, ठीक है। तो ये आप बस ABCD समझो एम्ब्रियोलॉजी का, वो भी ह्यूमन के बारे में, ठीक है। तो अब क्या है कि एनसीईआरटी ने क्या किया, थ्योरी में ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहीं पर समाप्त कर दिया, लेकिन डायग्राम में उन्होंने एक टॉपिक और छेड़ दिया। डायग्राम किसको छेड़ा, देखो थ्योरी में यहीं पे खत्म हो गया ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन उन्होंने टॉपिक डायग्राम में इस टॉपिक को छेड़ दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। चार लेयर होती है, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस, यॉक्सिप, और इन्हीं में से बनता है प्लासेंटा। इसको उन्होंने डायग्राम में छेड़ा है, अगर वो डायग्राम में छेड़ा है तो हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में समाप्त होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज समाप्त हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और डिटेल में समझेंगे प्लासेंटा कैसे बनता है, डिटेल। इवन मैं प्लासेंटा के आपको सारे हार्मोन्स भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बाद जो अगला क्लास होगा यानी कि परसों, 100% ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 100%, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लिए, चलो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे बताऊंगा ऑर्गेनोजेनेसिस, चलो। तो गैस्ट्रुला बनकर तैयार है, अब समझना ध्यान से, होता क्या है ना कि देखो 12वें दिन फर्टिलाइजेशन के 12वें दिन तो गैस्ट्रुला बन चुका है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछे सबसे पहले बना हुआ लेयर कौन है, एंडोडर्म, लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सा लेयर स्टार्ट करती है, सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सा लेयर स्टार्ट करती है, आंसर एक्टोडर्म। कुछ याद आ रहा है, नर्वस सिस्टम, हेलो, नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ CNS, उसमें ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, याद आ रहा है मैंने कहा था कि गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म क्या करती है ना, ये भी अंदर की तरफ ऐसे, जैसे एलिमेंट्री कनाल है ना, उसके पीछे 3D में समझो, उसके पीछे एक ट्यूब बना, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, यूं लो ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरल ट्यूब, ऐसे करके ट्यूब बनाई, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, ऐसे करके फाइनली, अरे ठीक है, इसमें सेल है, सारे सेल एक्टोडर्म वाले हैं, सारे सेल कैसे एक्टोडर्म वाले हैं। तो देखो बीच में कैविटी बनता जा रहा है, यही कैविटी में बढ़ेगा CSF के पागल, ठीक है। और ये सेल एक्टोडर्म के सेल अब ये स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होंगे, अभी तो एक्टोडर्म है,
एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म सेल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और कुछ समय के बाद ये सेल डिफरेंशिएट हो और न्यूरॉन का रूप धारण कर लेते, नर्व्स का रूप धारण कर लेते। और पता है अभी जो एक ट्यूब बना है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्यूब। क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखना, न्यूरल ट्यूब। मैंने कहा भी था, पता है ये ना फर्टिलाइजेशन के 19वें दिन बन जाता है, 19वें दिन के पहले ही बोलो 17th day के आसपास न्यूरल ट्यूब। अब समझना, ये उसका एंटीरियर पार्ट है न्यूरल ट्यूब का, ध्यान से देखना, 3D में समझना, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। बच्चा इधर से निकलने वाला है, एंटीरियर पार्ट आगे डिफरेंशिएट होकर ब्रेन बना देता है, ये सब बात में नर्वस सिस्टम में भी बताया था, और पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। और पता है उससे पहले सबसे पहले ब्रेन ही बनता है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा बाद में, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन है? आंसर ब्रेन। कब बन जाता है? 19th day ऑफ फर्टिलाइजेशन, 19th day ऑफ फर्टिलाइजेशन। सुनना ध्यान से, बनता पहले ब्रेन है, सबसे पहले ब्रेन, लेकिन यह अभी फंक्शनल नहीं हुआ, ध्यान रखना, बना है अभी, इसको फंक्शनल होने में बहुत समय लगेगा, बच्चे का ब्रेन को फंक्शन होने में बहुत समय लगेगा अभी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन कौन है, आंसर ब्रेन। अगर पूछा जाए सबसे पहले फंक्शन शो करने वाला ऑर्गन कौन है, आंसर हार्ट, आंसर हार्ट, आंसर हार्ट, ठीक है। और हार्ट किससे होता, हार्ट ओरिजिन में क्या होता है, मीजोडर्मल, तो उस टाइम गलती से एंडोडर्मल में उसको इंक्लूड कर देते, क्या हार्ट मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो बन गया होगा उधर हार्ट, हार्ट जब भी बना हो, हालांकि ये भी बन जाता है 20-25 दिन में, 20 दिन मत बोलो 25 दिन में, और ये फंक्शनल हो जाता है 28 दिन में, 28 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन देखो जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ ना उसके बाद प्रेगनेंसी मानने लगते हैं, तो लगभग 1 मंथ में यानी कि 28 डे में हार्ट अपना ब्लड पंपिंग भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सबसे पहले सर्कुलेशन जरूरी है, क्योंकि बच्चा का डिफरेंट ऑर्गेन बनने लगा, उसको ब्लड सप्लाई देना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेन हार्ट, और सबसे पहले बनने वाला ऑर्गेन ब्रेन, यानी कि बनता पहले दिमाग है लेकिन काम पहले दिल करता है, समझ में? इसलिए कहते हैं जब दिमाग और दिल में किसी एक की सुननी हो तो किसका सुनना है? दिल का सुनना है। देखो ना, जन्म से बताया जा रहा है कि भले दिमाग सामने आ जाए, दिमाग पहले बन जाए, लेकिन दिमाग सामने लाओगे तो काम बिगड़ेगा, दिल की सुनो, ठीक है, मन की सुनो, दिमाग ज्यादा लगाओगे तो खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हार्ट सबसे पहला फंक्शनल और सबसे पहले बनने वाला ब्रेन। तो ये तो मैंने आप देखो भाई, सारे ऑर्गेनाइजेशन हम आपको डिटेल में थोड़ी पढ़ाएंगे, इतना पैसा हम MBBS करा देंगे, क्या MBBS में पढ़ोगे? MBBS आपको हम आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एक्टोडर्म का मैंने आपको थोड़ा रिव्यू बता दिया कि कैसे होगा। अब ये जो है कौन, एंडोडर्म, ये तो क्या बना रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गन बना रहे हैं। अब बात करते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, वो टेस्टिस वगैरह भी बनाएगा है, और भी बहुत सारे ऑर्गन बनाएगा, लेकिन मैं आपको यूं बताता हूं, यूं समझो, ऐसे ऐसे समझो, देखो ये मान लो कोई पर्सन है, ऐसे ऐसे ये मान लो कोई पर्सन है, उसके आगे का फेस एंटीरियर, मतलब कि आगे का पोजीशन वेंट्रल और पीछे का डॉर्सल, ठीक है। तो उसके पूरे बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक, तीन लंबे स्ट्रक्चर है। एक तो क्या सुना ध्यान से, एक तो जो सबसे पहले बना, जो सबसे पहले बना वो है आपका ये न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, और ये ऊपर बन जाएगा बाद में ब्रेन, और ये बन जाएगा नीचे स्पाइनल कॉर्ड, एक पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ। और इस न्यूरल ट्यूब के आगे यानी कि एंटीरियर, समझ रहे हो, न्यूरल ट्यूब के आगे, और ये एलिमेंट्री कैनाल है, वो किससे बनेगा, एंडोडर्म, एलिमेंट्री कैनाल के पीछे। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, न्यूरल ट्यूब के आगे, ये इसके आगे, और एलिमेंट्री कैनाल के पीछे एक और रॉड बना, रॉड नॉट कैनाल, रॉड लाइक स्ट्रक्चर,
सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। कॉर्ड रस्सा लाइक, रस्सा अंदर से खोखला नहीं होता, भरा होता है, केनाल भले अंदर से खोखला होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, और पता है ये नोटोकॉर्ड किसने बनाया? ये नोटोकॉर्ड बनाया आपका इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, इसके जस्ट पीछे अंदर की तरफ। लेकिन बहुत जल्द ह्यूमन के अंदर बहुत जल्द ये नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है ना, उसके पीछे एलिमेंट्री का ना, सॉरी उसके पीछे ये है ना आपका नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड हुआ और उसके पीछे क्या है, सॉरी न्यूरल ट्यूब। तो बहुत जल्द ये नोटोकॉर्ड क्या करने लगा, जैसे ये पूरा का पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये करने लगा अपने टिश्यू को ऐसे करके रिंग बनाने लगा, ऐसे करके रिंग, और रिंग बना बना के इसको घेर लिया। देखो इसके इससे पहले क्या था, नोटोकॉर्ड इसके जस्ट पीछे, लेकिन बहुत जल्द वो रिंग बना के इसको ऐसे ऐसे करके घेर लिया, ऐसे ऐसे करके घेर लिया एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वर्टिब्री, एक हड्डी बन गया वर्टिब्री एंड दिस कॉलम ऑफ वर्टिब्री इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि नोटोकॉर्ड ही किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, हड्डी लाइक स्ट्रक्चर, हड्डी है वो। और क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि नोटोकॉर्ड का हमारे अंदर कोई काम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम हमारे नोटोकॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम हमारे न्यूरल ट्यूब को, उससे बनने वाले स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा, बोलो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देगा, ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए क्रेनियम आएगा। तो देखो मैंने आपको पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं पढ़ाया है, एक आइडिया दिया ना, एक्टोडर्म वाला आइडिया दिया जिससे बना न्यूरल ट्यूब, बोलो दिया ना आइडिया, फिर उसके बाद एंडोडर्म वाला आइडिया दिया एलिमेंटरी कैनाल, और मेसोडर्म वाला भी आइडिया दे दिया नोटोकॉर्ड। पता अब क्या होता है कि जैसे आपने बोला सर ये पूरा रॉड था, रॉड तो कहीं कहीं क्या हुआ रिंग बनाया, लेकिन रिंग रिंग के बीच का नोटोकॉर्ड क्या हुआ, तो वो डीजनरेट हो गया और उसका डीजनरेटेड फॉर्म यहाँ पे फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है बीच बीच में वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, मतलब वर्टिब्री के बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस पल्पोसस, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, न्यूक्लियोसस पल्पोसस इज द रेमिनेंट, यानी कि बचा हुआ हिस्सा, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, व्हाइल न्यूक्लियस पल्पोसस इज द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। स्क्रीनशॉट लो, अगले मीटिंग में कुछ और बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लो, यहां तक पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, मिलते हैं अगले मीटिंग में, डाउट भी ले लेंगे अगले मीटिंग में।